इनकी तकरीर होने के बाद खैरनार साहब की आपको थोड़ा सा आईबी का मामला डाइल्यूट होते जाए ऐसा दिख रहा है मुझे। तो वैसे तो साई साहब ने मैंने जो बोला उसकी तही थी की थी, वो जो बोल रहे थे कि भाई एक ही आदमी इधर भी पकड़ा जाता है उधर के केस में भी पकड़ा जाता है, ये क्या मामला है? तो यही आईबी है। देखो आईबी का इनको समझ में नहीं आया, मैं माफी चाहूंगा आपको, आईबी का इम्पोर्टेंस और उसकी पावर ही समझ में नहीं आई। बहुत अद्भुत पावर है। अभी देखो आजकल जो कुछ केसेस सामने आ रहे हैं उसमें एक मालेगांव 2006 की भी आ गई, 2008 की भी आ गई, अजमेर का भी हो गया, मक्का मस्जिद का भी हो गया, समझौता का भी हो गया, एक है हरियाणा में, एक है राजस्थान में, एक है आंध्र प्रदेश में, एक है महाराष्ट्र में। ये मैं समझ सकता हूँ कि भाई लोकल पुलिस गलत गलत लोगों को पकड़ सकती है। ये 5-6 केसेस में क्या होना चाहिए था, एक में कुछ को डिटेक्ट नहीं होना चाहिए था, एक में गलत आदमी को पकड़ सकते हैं पुलिस के, उन पर भी मीडिया का असर है, कुछ में सच को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये इन सभी केस में जो भी ब्लास्ट केसेस हुए इसमें गलत मुस्लिम को पकड़ा जाता है और इनका सबको जोड़ा जाता है, एक ही संगठन एक ही तंजीमें कर रही है, जोड़ा जाता है, एक कौन काम करता है, ये आईबी काम करती है। आईबी अपना इन्वेस्टिगेशन का पैकेज तैयार करती है और वो लोकल पुलिस को भेजती है और आईबी का इन्फ्लुएंस और पावर लोकल पुलिस पे लोकल गवर्नमेंट पे इतनी ज़्यादा है, आईबी ने एक बात बोली तो ना बोलना उनके लिए मुश्किल है, समझे? अभी आईबी क्या क्या कर सकती है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़पेपर मेरे पास है उसमें एक्स आईजी ऑफिसर क्या करता है, देखो ये बहुत पुरानी बात है, ये 206 की केस तो अभी आएगी, असीमानंद ने बोल दी, ये न्यूज़पेपर है जुलाई 2010 का, इसमें क्या बोलता है, अ फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ साइट्स अटैक ऑन मुंबई ट्रेन्स साइट्स अटैक्स ऑन मुंबई ट्रेन्स एंड मालेगांव मॉस्क इन 2006 एज एग्जाम्पल्स ऑफ द वे एजेंसीज एंड पुलिस कुक अप स्टोरीज टू शो रिजल्ट्स टू देयर मास्टर्स। जो बॉम्बे के ट्रेन पर अटैक हो गया उसका इन्वेस्टिगेशन और 2006 का मालेगांव इन्वेस्टिगेशन, ये कुकअप स्टोरीज हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के, ये आईबी का एक्स चीफ बोलता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मैं देता हूँ, ये ऑल फ्रंट पेज सब में आया है, ऑल न्यूज़पेपर। अभी दूसरी एक बात इसमें इसी में ही है, नहीं पुणे एडिशन नहीं है, ऑल एडिशन, इसमें ही बताया है इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडिया अनलाइक मोस्ट डेमोक्रेसीज आर नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट्री कमिटीज और एनीवन एट ऑल। दूसरे दुनिया के डेमोक्रेसी में इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हैं, यहाँ की इंटरनल एजेंसी किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है। पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन उनके एक ना कमिटी के किसके अंडर आती है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी आती नहीं, इनको हजारों कोटी का बजट होता है। अभी जो साई साहब ने बात बताई कि इतने लोग लाके एनकाउंटर जो करते हैं, ये एनकाउंटर ऐसा नहीं होता, सैकड़ों लोग पाकिस्तान बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ के ला के पालते रखते हैं उनको, और जब कहीं कहीं एनकाउंटर करना है अटैक करना है तो लेके मारते हैं, सीधी सी बात है। जो अजमल कसाब जिसका फोटो दिखाया जा रहा है 206 में पकड़ा गया था नेपाल में, और नेपाल कोर्ट में उसकी पीआईएल पेंडिंग थी और वो उन्होंने मान भी लिया है नेपाल ने कि हमारे पास पीआईएल पेंडिंग थी, और उन्होंने ये दावा किया था कि
नेपाल के पुलिस ने पकड़ के इंटेलिजेंस के ताबे में दिया है उसको 2006 में। ऐसे हजारों सैकड़ों पकड़े जाते हैं, इनको पालने के लिए इनके पास हजारों कोटि का बजट होता है, और वो बजट कैसा होता है ये भी यहाँ दिया है। तो ये बजट जो बजट में वोटिंग होता है तो ये लोगों को भी मालूम नहीं हमें किसे कितना वोटिंग कर रहे हैं। आवर पार्लियामेंट डज नॉट इवन नो हाउ मच इट वोट्स एज द इंटेलिजेंस बजट एंड हाउ द मनी इज स्पेंट। पैसा यानी पैसे का जो ऑडिट होता है वो ऑडिट सिर्फ इंटेलिजेंस छोड़ के बाकी सबको ऑडिट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर का ऑडिट होता है लेकिन इंटेलिजेंस के बजट का ऑडिट नहीं होता। और उसके कितना कौन वोट देता है तो क्यों नहीं उनको समझ में आता है कि हम उनको कितना बजट दे रहे हैं, उसका कारण उन्होंने दिया है। इंटेलिजेंस एलोकेशंस आर कंसील्ड इन द जनरल बजट्स ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ये जब बजट होता है तो दूसरे मिनिस्ट्री में छुपा छुपा के उनको दिया जाता है। ये इतनी ये पावरफुल है, इनको मैं ये वही बताना चाहता हूँ। और जुडिशियरी करप्ट होगी दूसरे बातों में लेकिन इन मामलों में वो करप्ट नहीं है। इन मामलों में जब ऐसे केसेस चलते हैं तो आईबी के ऑफिसर उनको चैम्बर में जाके ब्रीफिंग करते हैं। दो बातें हैं उनकी, चैम्बर ब्रीफिंग और सील्ड कवर का रिपोर्ट। उसमें पाकिस्तान का नाम डालने का और दो चार उनके वर्ड्स हैं, कवर ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एंटी वगैरह वगैरह दो चार ये हैं वो डाल के, फॉरेन रिलेशंस वगैरह ये डाल के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब पाकिस्तान का नाम आता है तो जुडिशरी भी बोलती है अगर ऐसा होगा तो हमें ये करना चाहिए। तो इसमें करप्शन का मामला नहीं है, ये आप बात समझ में आइए। दूसरी बात ये बोले कि बीजेपी ने जो अरेस्ट किया था, जो पॉलिसी थी वो कांग्रेस कंटिन्यू कर रही है। कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आईबी वही है। आज आईबी पर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि अपोजिशन के नज़दीक ज़्यादा नज़दीक है और पावर में होने से कांग्रेस उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। ऐसा दोनों तरफ से उनका फायदा है। इंटेलिजेंस आपको पता नहीं होगा, जब बॉम्बे का अटैक हो गया तब अंतुले से ज्यादा एलके अडवाणी बोल रहे थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीन बार डिमांड की उन्होंने, क्योंकि एलके अडवाणी एक ब्राह्मणिस के इंटर ग्रुप के नहीं है, उनका सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है। तो उनको पता नहीं था कि ये करने में अपने ही लोग थे। तीन बार डिमांड की, तीसरी डिमांड मेरे बुक में है, आप पढ़िए। तीसरी डिमांड उन्होंने की 5 जून 2009 को पार्लियामेंट में की कि इसकी मेरे बुक मैं अभी पेज नंबर नहीं बता सकता लेकिन आपको मैं डेफिनेटली उसका ये बता सकता हूँ, नहीं चैप्टर बता सकता हूँ, चैप्टर नंबर 7 में होगा। चैप्टर नंबर 7 में बात है, आप ब्राह्मणिस और ये जो दिखते हैं अपने को सामने एलके अडवाणी वगैरह इसमें भी फर्क करो, ये तो हाथ हैं, दिमाग दूसरा है। ये बात को भी आपको समझ में लेना चाहिए। एलके अडवाणी ने तीन बार डिमांड की, वो बोले इंटेलिजेंस को मिला था फिर भी ये हो गया तो इसकी जांच होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने ना बोला तो जब अभी वो स्पेक्ट्रम के केस में दो दो महीने तक उन्होंने ये चलने नहीं दिया, ये तो हमेशा के लिए नहीं चलने देना चाहिए था लोकसभा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चुपचाप हो गए, नहीं नहीं मानते तो नहीं ठीक है। ये बहुत संगीन बात है, ये इतनी ऑर्डिनरी नहीं। मैं इनके लिए साई साहब के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बहुत आगे बढ़ के बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, ही शुड नो द इंट्रिकसीज। नहीं नहीं अभी भी दूसरी बात उन्होंने असीमानंद की, वो बोले कि असीमानंद का सिर्फ कन्फेशन हम नहीं मानते। ये सिर्फ कन्फेशन नहीं है, मेरे इंग्लिश बुक